आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। संभल जिले के मिलक सिरसी में देर रात हुई तेज बारिश से कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए। बने पुत्र सफात अपने परिजनों के साथ कच्चे मकान में सो रहे थे, तभी तेज बारिश से मकान की छत भरभरा कर गिर गई। बनने के बाद परिजन छत गिरने की आवाज सुनकर भाग गए, जिससे उनके साथ बड़ा हादसा होने से बच गया। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, जबकि ग्राम प्रधान आले हसन का कहना है कि मैंने सभी कच्चे मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना में लिखवा दिया है, सरकार से पैसे की दरकार है जिससे गरीबों को आवास मिल सके। मेरा 2011 की जनगणना में ग्राम पंचायत में शुरू हुई थी, जिससे कि मैंने अपनी खंड विकास अधिकारी से अनुरोध करा कि मेरे यहाँ को प्रधानमंत्री आवास के लिए मिल रहे। उन्होंने मुझसे बताया कि प्रधानमंत्री तुम्हारे यहाँ का ग्राम पंचायत का नाम ही नहीं है। तो फिर मैंने उनसे अपना मार्च में खुद सर्वे कराया, खंड विकास अधिकारी जी ने मेरे यहाँ खुद सर्वे आके करा और 87 नाम मेरे यहाँ से वो लिख के ले गई है प्रधानमंत्री आवास के तहत, जिससे कि उन्होंने अपने सब के सब मेरे यहाँ के आवास तब्दील किए हैं, जिससे कि बस शासन से पैसा मिलने की देर है और आधे साझे की देर है, जिससे कि इन लाभार्थियों को पैसा मिले और ये अपने अपने प्रधानमंत्री आवास बना लें। और अब तो एक की सरकार ने और निकाल दी जो कि मुख्यमंत्री आवास कर दिया है, वो भी उसका भी पैसा ऐसे नहीं है, वो भी बहुत जल्दी आने वाला, उसका भी मैंने सर्वे करा दिया है गरीब लोगों का। मेरे यहाँ पर बहुत स्थिति खराब है, कच्चे कच्चे मकान है मेरे यहाँ पर, जिससे कि मुझे भी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो लोग मुझसे कहते हैं कि प्रधान जी हमें आवास क्यों नहीं मिल रहा, हमें आवास नहीं मिल रहा। मुझे भी बहुत अफसोस होता है उन लोगों का, काफी कच्चे मकान हैं और छप्पर पर नए मकान गिर भी चुके हैं चौवा से। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस शासन आदेश करें और इन लाभार्थियों को पैसा मिले, जो भी मेरे यहाँ से नाम गए उन्हें पैसा मिलना चाहिए मेरे यहाँ से। और मेरी सरकार से अनुरोध है कि मेरे यहाँ की जो ग्राम पंचायत की जो सरकारी जो ग्राम समाज की ज़मीन है वो सिरसी में पड़ी है, वो सिरसी से हट के मेरे यहाँ पर दी जाए, ताकि मेरे यहाँ के लोग उसमें कोई अपना खेल का मैदान बना सकें, दूर की जगह बना सकें और अपने ब्याह बारात रुकने के टाइम कोई पंचायत भवन बना सकें। मेरे यहाँ पर पंचायत भवन भी नहीं है। ठीक, नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या कहाँ के रहने वाली हो? क्या मामला बताओ? रात भर में सो रही थी कमरे में, तो लग रहा था फिर हम उन बच्चों से निकाल कर नहीं बाहर आ गए, जैसे कि चोट चोट से नहीं गए, फिर निकाल दिया था। फिर क्या हुआ? फिर तुम क्या चाह रहे हो ये बताओ? हम ये चाह रहे हैं, हम गरीब भैया हैं, परेशानी कोई साइज की दे दे। प्रधान से कहा? से कहा था तो वो मना कर रहा, उससे कई बार कह दी, गरीब भैया है हमारे आदमी परदेश में रहता था। क्या मामला? मिलक सिरसी के रहने वाले, हम सो रहे थे रात, बारिश आई थी तो गिर गया, तो हमने तक प्रधान रहा। फिर क्या हुआ? हमने प्रधान से कही थी तो वो तो नहीं कह रहे, एक महीना रुका एक महीना रुका। हम गरीब आदमी हैं, हमारा आदमी परदेश में रहता। फिर तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि कोई